हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और गर्मियों के सीजन में हर किसी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी वाली कोकोनट आइसक्रीम। इसे बनाने के लिए सिर्फ हम 2 से 3 चीज़ यूज करेंगे और ये चुटकियों में बन भी जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे कोकोनट। यहाँ पे मैंने पूरा नारियल लिया है और इसे ऐसे पीसेस में कट करके यहाँ पे हम इसे मिक्सचर जार में डालेंगे। इसमें पानी बिल्कुल ऐड ना करें और इसे ऐसे ग्राइंड कर ले। इसका ऐसे दरदरा पेस्ट रेडी होगा। तो यहाँ पे ये रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 कप दूध। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसमें एक उबाल आने दें। इसमें थोड़ी सी उबाल आने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी का यूज किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि चीनी जो है वो पूरी इसमें मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम इसे थिकनेस बढ़ाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा दूध में मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी मैंने 2 चम्मच लिया है। मिल्क पाउडर हमें डायरेक्ट कढ़ाई में नहीं डालना है। इसे ऐसे थोड़े से दूध में पहले मिक्स कर ले ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। और इसके बाद हम इसमें कढ़ाई में इसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 कप दूध यूज़ किया है और उससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है, इसलिए हम इसे मिल्क पाउडर से इसे गाढ़ा कर लेंगे। मिल्क पाउडर वैसे इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से दूध जल्दी गाढ़ा हो जाता है और आइसक्रीम का टेस्ट भी बढ़ता है। तो इसमें अच्छे से उबाल आ गई है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे पूरा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। याद रखें हमें इसे पूरा ठंडा होने के बाद ही यूज़ करना है। और इसके बाद हम इसे हाथों से ऐसे विस्क कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ऐसे हाथों से ऐसे अच्छे से इसे मिक्स कर लें। इसके बाद हम डालेंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ कोकोनट। नारियल को हमने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। और अगर इसमें थोड़े से नारियल के पीसेस बचेंगे तो आइसक्रीम खाते वक्त वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये कितना थिक बना है। इसके बाद हम इसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉप्सिकल मोल्ड यूज़ किए हैं इसे सेट होने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी एयर टाइट डब्बे में इसे डाल सकते हैं। पॉप्सिकल मोल्ड में डालने से ये बिल्कुल मार्केट जैसी दिखेगी। तो यहाँ पे हम सारे मोल्ड जो है वो रेडी कर लेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ फ्रेश नारियल और दूध और थोड़ी सी चीनी का यूज़ किया है, इसी से हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हम इसे एल्युमिनियम फॉइल से ऐसे कवर कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स ना बने। और इसमें ऐसे बीच में छेद कर लेंगे ताकि हम इसमें स्टिक लगा सकें। यहाँ पे मैंने पॉप्सिकल की स्टिक की जगह यहाँ पे वुडन स्टिक का यूज़ किया है ताकि ये दिखने में बिल्कुल मार्केट जैसे लगे। ऐसे ही हम सारे स्टिक जो है वो इसमें इंसर्ट कर देंगे और इसे हम छोड़ देंगे 10 से 12 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रीजर में। इसे मैंने ओवरनाइट रखा था। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी आइसक्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो गई है। आप देख सकते हैं पॉप्सिकल कितने परफेक्ट लग रहे हैं। अब हम इसके फॉइल जो है वो निकाल लेंगे और इसे डीमोल्ड करेंगे। तो आप इसे थोड़े से पानी में ऐसे इसे डिप कर ले तो ये पॉप्सिकल जो है वो बहुत ही आसान तरीके से निकल आएगी। तो देखा आपने कितने कम सामान में हमने कोकोनट आइसक्रीम घर पे बनाई है। तो आप इस कोकोनट आइसक्रीम की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही अलग फ्लेवर की आइसक्रीम है, तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। इसे खाते वक्त बिल्कुल आपको नारियल के खाने का फीलिंग आएगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। मैं ऐसे नए और मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।